निराश हताश मरीज जब परिसर से बाहर जाता है तो परिसर के बाहर जो बाउंड्री वाल के बाहर भी दलाल है, वहाँ दलाल है। देखिए मंत्री जी, जो प्रमाण महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य सरकार के संज्ञान में पूर्व से भी ऐसे दृष्टांत लाए गए हैं कि मरीज एवं उनके परिजन को बरगलाकर दलालों द्वारा निजी अस्पतालों में पहुंचाया जाता है। विभाग इन शिकायतों के प्रति अत्यंत ही गंभीर है। यह इस तथ्य से और भी स्पष्ट होगा कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के सुचारू रूप से प्रबंधन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय प्रधान सचिव के स्तर से निर्गत किया गया है, जिसमें अनाधिकृत प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु पास की व्यवस्था एवं मरीजों से मिलने का समय निर्धारित किया गया है। बिना पासधारी व्यक्तियों का अस्पताल परिसर में प्रवेश पर पूर्णतः निषेध है। अधीक्षकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इससे संबंधित सूचना पट तैयार कर अस्पताल परिसर में जगह जगह लगाना सुनिश्चित करें। अस्पताल के चिकित्सकों एवं कर्मियों को विशिष्ट पहचान हेतु नेम प्लेट के साथ ड्रेस कोड भी लागू है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा पट्टा के संदर्भ में भी ऐसी शिकायत मिलने पर विभागीय प्रधान सचिव स्तर से संस्थान प्रबंधन को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाए। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा पट्टा में कार्यरत चिकित्सकों के द्वारा यदि निजी प्रैक्टिस की जाती है तो निदेशक द्वारा कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। दलालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की जिम्मेवारी अस्पताल अधीक्षक को दी गई है। पीएमसीएच परिसर में इमरजेंसी के आसपास किसी भी प्राइवेट एम्बुलेंस को मरीज छोड़ने एवं ले जाने के लिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकने दिया जाता है। यहाँ चिकित्सकों एवं कर्मियों को कार एवं मोटरसाइकिल के लिए अलग अलग वाहन पास भी निर्गत किया गया है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति दलालों को चिन्हित करने के लिए इमरजेंसी एवं ओपीडी में सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए लगाया गया है। पीएमसीएच में अवस्थित टीओपी के गार्ड एवं आंतरिक सुरक्षा में लगे गार्डों के द्वारा समय समय पर इमरजेंसी के भीतर अनाधिकृत व्यक्तियों का पास चेक किया जाता है। इसी प्रकार आईजीएमएस पट्टा में भी समय समय पर नियमित औचक निरीक्षण किया जाता है। संस्थानों में स्थापित टीओपी के पुलिस कर्मियों द्वारा भी इस प्रकार के अनैतिक कार्यों पर कड़ी नजर रखी जाती है। धन्यवाद। बहुत व्यवस्था आपने नियंत्रित करने का किया है। जिस तरह से अपराध के नियंत्रण के लिए नित्य बैठक होती है, उसी ढंग से आपने करवाने का प्रयास किया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अभी भी दलाल है तो अब तक कितने दलाल को पकड़वाने का काम किया? जब तक दलाल पकड़ाएगा नहीं, दलाल जेल में नहीं जाएगा, तब तक दलाल का अड्डा ये सारे हॉस्पिटल बना रहेगा। तो महोदय, आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही अपराध के नियंत्रण के लिए अपराधी कोई पकड़वाते हैं, ये भी एक तरह का अपराध है। और वहाँ मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कुछ इंटरनल बात ऐसी है कि बहुत सारे डॉक्टरों का प्राइवेट प्रैक्टिस भी है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर का भी दलाल वहाँ रहता है कि यहाँ बड़ा देर लगता हूँ, न ठीक से होता हूँ, चल फलाना जगह। और हमारे देहात के जो पेशेंट आते हैं ठगाते हैं। तो सिर्फ मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, आपने बड़ा डिटेल्स उत्तर दिया, एडिटोरियल उत्तर दिया, और उत्तर में हम लोगों को भ्रांति में आप डालने का काम करते हैं बराबर। तो अब तक आपके इस नियंत्रण निर्देश के आलोक में दलाल वहाँ पर है, कितने दलालों को पकड़ाने का काम आपने किया है या कृपया बतला दें। जवाब में कहा कि इस प्रकार का कोई भी अनैतिक काम और दलालों के द्वारा कोई दलाली उस परिसर के अंदर नहीं की जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसकी पूरी जानकारी हमने दी है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत समय समय पर छापामारी, औचक निरीक्षण, ये सारा कुछ किया जाता है। इसके बावजूद भी माननीय सदस्य को यदि किसी दलाल के बारे में जानकारी है तो लिखित हमको उपलब्ध करा दें, कोई सूचना हो। माननीय सदस्य ने सदन में स्वीकार किया है कि कुछ माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि कुछ अंदरूनी बातें उनको जानकारी में है जो यहाँ शायद वो नहीं बोलना चाहते, तो मुझे अंदरूनी तरीके से बता दे, मैं भी अंदरूनी तरीके से पूरी कड़ाई से कार्रवाई करूंगा। और मैं गंभीर हूं महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, वास्तव में मैंने जवाब में भी स्वीकार किया है कि सरकार के ध्यान में समय समय पर यह विषय आते रहा है, और हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत सतत हम प्रयत्नशील रहते हैं कि ऐसा कोई घटना हमारे परिसर में नहीं घटे। फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई गाड़ी नंबर कुछ ऐसा है तो वो उपलब्ध करावे, हम उस पर कार्रवाई। चुपचाप दे दीजिए, कार्रवाई हो जाए। क्या चाहिए? परिसर के बाहर रोड है। निराश हताश मरीज जब परिसर से बाहर जाता है तो परिसर के बाहर जो बाउंड्री वाल के बाहर भी दलाल है, वहाँ दलाल है। देखिए मंत्री जी,
जो प्रमाणित है उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग, आपके क्षेत्र से भी पेशेंट आता, हमारे क्षेत्र में असल में दिक्कत क्या हो रही है कि EMRI का टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट है, तो उसके लिए बहुत समय दिया जाता है कि 15 दिन के बाद आइए। गरीब आदमी 15 दिन कहाँ रहेगा, तो बाहर परिसर के बाहर जो दलाल रहता है कि चल हम अपना डॉक्टर साहब छथिन फलाना, उनका निजी क्लिनिक बड़ा है, यही से बढ़िया है, वही थोड़ा जल्दी से करा दे बहू, जल्दी से ठीक हो जाता हूँ, यह है। और इससे संवेदना से हम सभी लोग पीड़ित। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।